हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है सबको? ग्रेट। यस हाउ इज एवरीबॉडी? सर, यस सर, तो 7 बजे नंदिनी मैम हम लोग के साथ ज्वाइन कर जाएंगी। अंटिल देन एक बार कुछ चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। आई होप सबको गूगल मीट पे हैंड रेज का ऐसे सिंबल दिख रहा होगा। ट्राई एंड सी यस हैंड रेज कर पा रहे हैं सर, सब लोग। यस सर, हैंड रेज करके देखो। ग्रेट, तो आई सी अ लॉट ऑफ हैंड्स रेज्ड। आई स्टिल डोंट सी अथर्व एंड प्रसून का तो हाथ कर। प्रसून, तुमने दो डिवाइस से ज्वाइन किया हुआ है? सर वन सिस्टर का है। ओके ओके ग्रेट। आप ठीक है। एंड देन वी हैव स्नेहा एंड ग्रो अप। ग्रो अप के अकाउंट से कौन ज्वाइंड है? Whoever is joined from Grow Up account, can you please tell us your good name? ठीक है, सब लोग एक बार हैंड डाउन कर दो जल्दी से। तो आज कॉमिक मेकिंग का तुम लोग का सेशन है। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन, जहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग को सिखाया जाएगा कि कैसे कॉमिक्स बना के भी तुम लोग सीख सकते हो चीजें। अगर तुम्हें कभी अपनी क्लासेस बोरिंग लग रही है, बी इट मैथमेटिक्स, बी इट साइंस, बी इट कोई भी, तो कॉमिक्स के थ्रू तुम लोग कैसे उसको इजीली समझ सकते हो। और मार्वल और डीसी तुम लोग ने बहुत ज्यादा मूवीज देखी होगी, आई होप ज्यादातर लोगों ने, तो वो भी शुरुआत में कॉमिक्स ही थे और कॉमिक्स से आज इतने बड़े वो मूवी बन गए हैं। तो गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। तो तुम लोग ने देखा होगा कि मेरा जो गूगल मीट का बैकग्राउंड है वो भी कॉमिक की तरह दिख रहा है, केले से पीछे घूम रहा है। बाय द वे, ये बता सकते हो तुम में से कितने लोग इंग्लिश, हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, दे यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, आई सी कि प्रसून, स्नेहा एंड ग्रो अप आर स्टिल नॉट एक्टिव। ओके, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। और कितने लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल होंगे अगर सेशन हिंदी में होए, इंग्लिश में नहीं? कौन ज्यादा कंफर्टेबल होगा अगर सेशन हिंदी में होए? ओके स्नेहा, ग्रेट। एनीबडी एल्स? ठीक है, ग्रेट। तो नंदिनी मैम इंडिया के एकदम, तुम लोग चित्रकूट से हो आई थिंक, ज्यादातर सब लोग एपीएस स्कूल के हो। नंदिनी मैम हाँ इंडिया के एकदम दूसरे कॉर्नर से है। शी इज फ्रॉम चेन्नई, तमिलनाडु। डू यू नो तमिलनाडु कहाँ पे है? ईस्ट इंडिया की, साउथ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की, वेस्ट इंडिया? कितने लोग कह रहे हैं साउथ भैया, इंडिया में? ऑल राइट, ग्रेट। तो नंदिनी मैम साउथ इंडिया से हैं, तो शी विल डू अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, जहाँ पे ज्यादातर चीजें इंग्लिश में वो पढ़ा रही होंगी। कहीं भी तुम लोग को कंफ्यूजन होगी ना, तो देखो यहाँ पे चैट होता है गूगल मीट पे, आई एम श्योर सबको पता होगा। एक बार सब लोग हाय भेज दो चैट में, सो दैट वी कैन सी कि यू आर एक्टिव एंड यू कैन एक्सेस द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में देखो, हमने अभी बोला है हाय माई नेम इज पंकज, स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो सब लोग एक बार हाय लिख दो, सो दैट आई कैन सी कि सब लोग गूगल मीट का चैट एक्सेस कर पा रहे हैं। जिसको ना समझ में आ रहा हो कि गूगल मीट का चैट क्या होता है, प्लीज डू लेट मी नो। ओके ग्रेट, आई सी अ लॉट ऑफ मैसेजेस, तो दिस इज गोइंग ग्रेट। तो आई म्यूट माई सेल्फ नाउ एंड इन द नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स आई एम श्योर नंदिनी मैम विल ऑल्सो ज्वाइन एंड टेक योर सेशन एंड इट्स गोना बी एन अमेजिंग वन। तो कहीं भी तुम लोग को इशू आ रहा होगा, फ्रीली मैसेज पे या फिर अनम्यूट करके बोल देना। उसके अलावा स्टे एक्साइटेड, लेट्स होप कि आप लोग का एक अमेजिंग सेशन हो यहाँ पे। हेलो नंदिनी। सो नंदिनी मैम फ्रॉम लर्न विद कॉमिक्स हैज ऑलरेडी ज्वाइंड अस। हाय नंदिनी, हाउ आर यू? नंदिनी यू आर म्यूटेड, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ? तो हाय पंकज, आई एम फाइन। हाय किड्स। हेलो हेलो मैम, मैम, हेलो मैम, हेलो मैम।
वाओ, सो तो यहाँ गुड रिस्पांस। पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो चित्रकूट, विच इज यानी उत्तर प्रदेश के एक स्कूल है, एपीएस, ज्यादातर सारे स्टूडेंट्स एपीएस के स्कूल के हैं, अच्छा एंड दे आर रियली एक्साइटेड टू हैव यू हियर विद अस फॉर दिस कॉमिक मेकिंग सेशन. काफी दिन से वी आर ट्राइंग टू गेट इट शेड्यूल्ड एंड वी आर फाइनली हियर. बच्चों, आपको एक चीज ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे नंदिनी मैम की तबीयत आज थोड़ी सी खराब है, उसके बाद भी वो आप लोग का सेशन लेने के लिए इतना एक्साइटेड थी कि शी हैज ज्वाइंड. तो लेट्स ऑल विश कि नंदिनी मैम जल्दी से जल्दी एकदम हेल्दी एंड फाइन हो जाए, सो दैट. एक्चुअली आई वॉज वेटिंग फॉर द सेशन, बट आई डोंट नो लाइक मैं ऐसी हालत में आई हैव टू ड्रैग इट, बट आई नो यू किड्स विल लाइक कैसे भी आप लोग करेंगे। आई नो रियली एक्साइटेड टू हैव अ सेशन विथ योर किड्स। एंड पंकज, एक इन्फॉर्मेशन की बच्चे कौन सी एज ग्रुप के हैं? तो जस्ट वन सेकेंड. ठीक है. सो नंदिनी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर आर बिटवीन 5th ग्रेड एंड 8th ग्रेड. वन और टू आर ऑल्सो फ्रॉम 4th ग्रेड. तो द एज ग्रुप इज वही 5th ग्रेड से 8th ग्रेड वालों का मेनली. हाउ मेनी ऑफ यू आर इन 4th ग्रेड? एक बार जल्दी से हैंड रेस करो. 4th ग्रेड वाले बच्चे सारे. ओके, प्रिंस उपाध्याय 4th ग्रेड से. प्रिंस, तुम्हारे फ्रेंड्स जो 4th ग्रेड में, वो नहीं, उन्हें ज्वाइन करने के लिए नहीं बोला क्या? ओके, नो इश्यूज. कितने लोग 5th ग्रेड के हैं, जल्दी से हैंड रेस करो एक बार. हेलो आदित्य. यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आदित्य. तो कितने लोग यहाँ पे, हाउ मेनी ऑफ यू आर इन 5th ग्रेड? एक बार हैंड रेस करो जल्दी से. 3, 2, 1. ओके, तो नो बडी इज फ्रॉम 5th ग्रेड. 6th ग्रेड, कितने लोग 6th ग्रेड में है? 1. आई सी अनुभव एंड आदित्य. ओके आदित्य, तुम भी 6th ग्रेड में हो, परफेक्ट. देन 7th ग्रेड, 7th ग्रेड में कितने हैं? 1, 2, 3. तो वी हैव 1 फ्रॉम 4th ग्रेड, 2 फ्रॉम 6th ग्रेड एंड 3 फ्रॉम 7th ग्रेड. वाओ. ओके, व्हाट अबाउट 8th ग्रेड? कितने स्टूडेंट्स आप 8th ग्रेड के हैं? आई थिंक सबसे ज्यादा हाथ उठेंगे अब. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 7. ओ वाओ, तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड आई गेस 8th ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं, जो इतने सारे अपने फ्रेंड्स को भी साथ में लेके आए हैं. तो 7 फ्रॉम 8th ग्रेड. एंड एनीबॉडी जो किसी और ग्रेड में है, एक बार बाकी सब हाथ उठाओ. सब लोग हैंड डाउन कर दो, लोअर कर दो. बाकी जो 3rd, 4th से 8th ग्रेड के अलावा जो ग्रेड्स हैं, उनमें कौन कौन है? नोबडी. ओके, तो वी हैव सर, आई एम फ्रॉम क्लास 8. प्रसून, यस प्रसून, तुम्हारा भी हैंड रेस्ट था, आई सॉ. एंड व्हाट अबाउट योर सिस्टर प्रसून, वो किस ग्रेड में है? सर सिस्टर इन 8th क्लास, आई एम इन ओके, 7. अच्छा प्रसून, यू आर इन 7. तो वी हैव अ मिक्स, एज यू जस्ट सॉ नंदिनी, फ्रॉम 6th टू 8th ग्रेड सबसे ज्यादा बच्चे हैं. एंड वी ऑल्सो हैव 1 फ्रॉम 4th ग्रेड. द सेशन इज योर्स नंदिनी, इट्स ऑलरेडी 7, तो आई एल नॉट इंटरप्ट. बाय द वे, यू आर म्यूटेड नंदिनी, तो आई एल Yeah, इन्फॉर्म यू. background noise, so I muted. Yeah, thanks Pankaj. So I'll take it from here. Hi children, my name is Nandini. I'm working from Learn with Comics, and I think you people know like we are here to make a nice cool comics. But before that, I just want to see all your faces and just want to know like what comics are meant for you. Bacho? एवरीबडी प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा इफ पॉसिबल. नंदिनी मैम, आप सबका चेहरा भी देखना चाहेंगी. मुझे थोड़ा जोश आएगा ना। यस, या तो काउंटिंग फ्रॉम 5, सब लोग जल्दी से कैमरा ऑन करो. 4, 3, 2, 1 एंड 0. ग्रेट. ओके सो ओके वी नीड अ कोरस आंसर हियर, नॉट एन इश्यू। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमिक? कॉमिक का मतलब क्या है? जिसको भी बोलना है अनम्यूट करना मत भूलना, बिकॉज ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा है कि जब आप बोलते हो यूजुअली म्यूटेड रहते हो. तो अनम्यूट करो एंड मैम को आंसर करो. आपके हिसाब से कॉमिक्स क्या होते हैं? कुछ कुछ आइडिया है आपको कॉमिक्स के बारे में? यस मैम, जो कॉमिक्स होती हैं, सो इट इज अ इमेजिनेशन मैम। वो एक इमेजिनेशन होती है जो हम खुद से क्रिएट करते हैं अच्छा, तो उसे क्या होगा? मैम, अगर आप इमेजिनेशन को ही अच्छी क्रिएट करते हैं तो उनसे लोगों का फायदा होगा, या फिर आप कुछ भी मोरल डाल सकते हैं उस कॉमिक्स में। मैम, हमने 3 स्टोरी लिखी हैं, हमने और अनुभव ने मिलकर। सुपर यार।
So according to Aditya, he is very clear, like it will reach. Okay. So may tomorrow I need answer from everyone. Today just I want to give you introduction about comics. Comics to ye tha. Because we have we are like bored of reading a total continuous books and all. तो हम लोगों को ये चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन भी रीच करे और जो इमेजेस के दरिया भी हो. सो दैट इज लाइक कॉमिक्स आफा. सो कॉमिक्स का जो है वी कैन ड्रॉ कॉमिक्स और वी कैन मेक कॉमिक्स एंड वी कैन मेक अ ग्राफिक नॉवल्स ऑल्सो. ओके. एंड दिस फाइव डेज वॉट वी आर गोइंग टू टीच यू इज फर्स्ट वील गो विद ओनली कैरेक्टर्स इमोशंस एंड ड्रॉइंग. सो टूडे सेशन विल बी फुल ऑफ फन which is not related to comics at all. Okay, so first today we'll explore how we can draw, what are the expressions and how they are useful for our subject. And second to fifth day will be our real comic journey, if you can say it. We'll be giving you one story. वो स्टोरी को हम लोग नरेट भी करेंगे और नरेट करके उसके जरिए जो जो कैरेक्टर्स हमें जरूरी है वो ड्रॉ करने की कोशिश भी करेंगे और उसके बाद will give dialogues to the characters. Okay, so this will be the second and third day. And like fourth day, we'll be having one illustrator with us. Okay, the illustrator, do you know who is the illustrator is? Tha ya na? No ma'am, no, what ma'am. Is the illustrator? No ma'am. Okay. जब भी हम लोग एक स्टोरी बनाते हैं या कॉमिक बनाते हैं सो स्टोरी बनाए तो हमारे पास चाहिए कि वन ऑथर वी नीड एंड वन इलस्ट्रेटर हु कैन ड्रॉ द आर इमेजिनेशंस हु कैन ड्रॉ द पर्सन हु इज ड्रॉइंग द इमेजिनेशंस आर द इलस्ट्रेटर्स. ओके. सो अभी जब मूवी देखते हैं ना तो उसमें जो डायरेक्टर रहता है जो मूवी मेकर रहता है तो ऐसा एक एक कैटेगरी रहती है कॉमिक में भी लाइक एवरीथिंग इज नॉट एन वन पर्सन जॉब. ओके. तो पहले हम लोगों को सब्जेक्ट लेना पड़ता है. सो लेट अस अस्यूम आज का सब्जेक्ट है कि कॉमिक मेकिंग. तो दैट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट नेम. एंड व्हाट इज अ स्टोरी. स्टोरी का मतलब ये है कि हम उसमें क्या दिखाना चाह रहे इज अ स्टोरी. कॉमिक सेशन टुडे इज एंड आई एम गोइंग टू टीच यू द मोड्स ऑफ कॉमिक इन फाइव डेज इज माय स्टोरी. ओके. बट आई नीड सम मीडिया राइट. I cannot like keep on talking and I cannot make a comic keep on talking. So I need a media where I can say that has a drawings. The drawings are called as a illustrations. Okay. So the fourth day illustrator will be joining with us. And if you people have a story instantly, you can narrate the story online and illustrator will draw the illustrations of your story. So this will be the exciting session. ठीक है. और fifth day हम लोग क्या क्या दरिया है अपने पास लाइक व्हाट द टूल्स वी यूज. सो दैट डे विल बी द लास्ट डे ऑफ आर कॉमिक जर्नी वेयर यू कैन हैव इन योर हैंड यू कैन ड्रॉ कॉमिक यू कैन मेक कॉमिक और यू कैन मेक योर ग्राफिक नॉवल ऑल्सो. ओके. सो दिस इज द फाइव डे सेशन ओवरव्यू. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज जस्ट आई वॉन्ट टू सी हाउ योर ड्रॉइंग स्किल्स आर लाइक. ओके. You know emojis, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kya convey karte emojis? Yes, ma'am. Hello. What the emojis will convey? Ma'am, they express the emotions of a person. लेकिन emoji का क्या है? एक circle है, ठीक है? Yes, ma'am. Yellow. हाँ, एक छोटा सा सर्किल है और उसमें इतने सारे एक्सप्रेशन है राइट. यस मैम. नाउ लाइक चलो चैलेंज शुरू. सब लोग अपना अपना पेपर और पेन ले लो और पेंसिल यू हैव विथ यू राइट. एंड आई वांट टू टेल यू द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट थ्री डेज आर कंपलसरी. पेपर पेन एंड स्केल इज कंपलसरी. ओके मैम. स्केल और पेंसिल. जी 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 हाँ हाँ स्केल भी चाहिए. मैम द क्वेश्चन इज कि पेन या पेंसिल इज इट आइदर और या फिर दोनों में से कोई भी चलेगा या सिर्फ पेन. दे वांट बोथ बिकॉज़ फॉर ड्राइंग द कार्टून एवरीथिंग वी रिक्वायर अ पेंसिल वेयर इज राइटिंग द डायलॉग वी कैन यूज पेन. ओके. वी नीड पेपर पेन पेंसिल स्केल इरेजर. Five things are mandatory till 3 days.
Okay. So, okay. Now, the first task for you is, I want the emoji which is very angry. Who will make that for me? Angry. तो स्टूडेंट्स जो भी नंदिनी मैम बोल रही हैं, इन केस आपका नेटवर्क इशू हो एंड आप सुन ना पा रहे हो, तो आई एम ऑल्सो राइटिंग एवरीथिंग डाउन यहाँ पे चैट मैसेज में, तो यू कैन ऑल्सो रीड द चैट्स एंड सी कि क्या चैलेंज है. अभी करेंटली चैलेंज मिला हुआ है आपको, आपने जो पेपर या नोटबुक आपके पास है उस पर एक एंग्री इमोजी ड्रॉ करने की आप कोशिश करो, और जो जो ज्वाइन ड्रॉ कर ले रहा है उसकी आप फोटो खींच के व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भेजो जल्दी से. तो नंदिनी मैम इज बैक हियर. एंड आई वुड सजेस्ट जितने बच्चों का नेट अच्छा हो वो आप अपना कैमरा ऑन ही रखो, जिससे नंदिनी मैम भी आप सबको देख सके हैं थ्रू आउट द सेशन. तो आई सी कि आदित्य ने हैंड रेस किया हुआ है. आदित्य? नो सर. ओके, नो इश्यूज. यस प्राची. नंदिनी आप म्यूटेड हो इन केस यू आर ट्राइंग टू स्पीक अप. ओ, प्राची ने बना लिया इमोजी एंग्री वाला. Everybody try to show your emoji on video, या फिर आप ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, बिकॉज मैम को हम लोग ने ग्रुप में भी ऐड किया हुआ है. Prachi, it's nice. Wow. सब लोग एक बार try. मैम यू आर म्यूटेड. नंदिनी मैम यू आर म्यूटेड. So, okay. Is it done? खुशी अग्रवाल. वाव, गुड. सब लोग जल्दी से ड्रॉ करके एक बार वीडियो कैमरा ऑन करके इमोजी दिखाओ. आई विल टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट जिसमें आप सबकी इमोजी दिख रही हो. एवरीबॉडी प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एंड जल्दी से अपनी नोटबुक पे इमोजी दिखाओ. काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, everybody just switch on your cameras and show your emojis. तो आई हमने दिखा दी. मानवी, आपकी इमोजी क्यों इतनी सैड है? मैंने तो मुझे तो गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन गुस्सा नहीं, आपका तो बहुत ही सैड है. आर यू वेरी सैड हियर? अथर, ओके, सूर्यपाल. अच्छा, चलो. तो नंदिनी, आई आल्सो सी चैट में ग्रो अप नाम के अकाउंट से लॉग इन है जो स्टूडेंट. ही इज सेइंग, ही और शी इज सेइंग कि बन नहीं रहा है उससे. अच्छा, ठीक है, हम लोग मदद कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नेक्स्ट सेशन विल बी गोइंग टू हैव दैट. ओके, फटाफट से स्माइली बनाएंगे आप. आई थिंक इट इज सेकंड. डू यू मीन स्माइलिंग इमोजी? जा हां, पंकज, इट्स अ स्माइली इमोजी. Smiley, let them make. No, everyone can make that, I think. Prachi, okay. Khushi Agarwal, wow, superb. Aditya, Prachi, wow. अच्छा लग रहा है, सब लोग मुस्कुराते हुए. अथर्वा, वेरी गुड. ओके ओके, मनी, सुपर. या सो नाउ, ओके, डन. तो हम लोग एक 2-3 ड्राइंग्स कर लेंगे क्या अभी? शैल आई स्टार्ट? यस मैम. मैम डू द ड्राइंग. और सब लोग एक ही बार ऑन करो, सो दैट पंकज विल टेक ए स्क्रीनशॉट. उसके बाद विल कैरी ऑन विद आवर क्लास. ओके, नाउ द नेक्स्ट चैलेंज विल बी, आई विल बी ड्रॉइंग ऑन द स्क्रीन. आप लोगों को बताना है कि वो इमोशन क्या है. ठीक है? ओके मैम. ओके मैम. ओके ओके मैम. Everyone tell me, because once I start sharing my screen, I cannot see the video or anything, so I'm switching off my video.
okay so now tell me are you able to see the screen kya dikh raha hai yes yes desktop 1080p ji desktop 1080p किसी ने बोला तो I think most people can किसी को अगर स्क्रीन ना दिख रही हो एक बार हैंड रेस करो सो दैट वी नो कि सबको दिख रही हो किसी को अगर ना दिख रही हो एक बार हैंड रेस करो काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 3 2 1 दिख रही है एंड नाउ सी आई कैन नॉट सी पीपल ओनली योर फीडबैक इज काउंटेड ओके ठीक है आई थिंक ज्यादातर सबको दिख रही है फैशल अली आप एक बार कोशिश करो कि अच्छे इंटरनेट कनेक्शन पे आओ अदरवाइज ओके ग्रेट नहीं दिख रही सूर्यपाल मिश्रा तो आई थिंक नंदनी मोस्टली एवरीबॉडी इज एबल टू सी सूर्यपाल आई वुड सजेस्ट एक बार अगर बेटर इंटरनेट कनेक्शन पे आ जाओ यू विल आल्सो बी एबल टू सी अच्छा तो अभी दोस पीपल हु कैन सी माय स्क्रीन व्हाट यू कैन सी नाउ अनम्यूट करके बता दो बच्चों क्या दिख रहा है मैम देयर इज अ डेक्स दिख रहा है कि डेस्कटॉप 180 डेस्कटॉप 2K डेस्कटॉप 4K नहीं यार मैंने अभी कुछ ड्रॉ किया है कैन यू पीपल सी दैट नहीं मैम आपका सिर्फ इंकस्केप वाला है आई थिंक यू शुड शेयर योर एंटायर स्क्रीन एंड नॉट जस्ट वन डॉक्यूमेंट वन ठीक है विंडो तब तक फैजल एंड सौभाग्य आपका शायद स्क्रीन नहीं सही से चल रहा था स्क्रीन चल नहीं रहा था इज इट ओके यस नाउ वी कैन सी इट ओके सो आई एम ट्राइंग टू मेक अ मैम स्माइली मैम स्माइली अच्छा ठीक है ओके मैम स्माइली This one? I'm sad. Ma'am sad. Okay, now sad. Where is the difference you can see? Ma'am sad. हाँ sad तो ठीक है. Ma'am एक बार आप ma'am से बाहर speaker से connect करो echo कर रहा है आपकी device ma'am. What Pankaj? Ma'am आपका device echo कर रहा था शायद. Now it's fine, great, no issues. Okay. Okay. Now tell me the where is the difference? Like where I can show that it's a smiley, it's a sad face. Only ma'am? The mouth part. Only the mouth part. No, eyes. Yeah. See, what I want to tell you from these expressions is I'm going to draw one more also. You have to like understand where the difference lies. Okay. Everything is our eyes and mouth part. Focus there. If you just want to show a curve here, that is a smiley you are telling, right? And you are drooping one, you are telling like a sad. But that is not the case with the comics. We have to focus on the eyes also. Okay. So this is a happy one. Always the eyes are wide open. And here you can add the eyebrows also. Yes, ma'am. So hum angry ka expression jo bhi hai. It totally depends on the eyes, eyebrows, and the curve. Okay. So now yes. I'm going to draw other one. So just focus this one. Whatever I'm drawing. Okay. Now, मुझे circle बनाना अभी तक नहीं आया. I don't know why. अभी ये क्या है रिलैक्स्ड इज इट रिलैक्स्ड डेड मैम साइलेंट और कोई आंसर है
मैम साइलेंट मैम रिलैक्स रिलैक्स का मतलब क्या होता है रिलैक्स का मतलब है कि लाइक रिलैक्स कर रहे या बट यू नो दिस इज लाइक व्हेन यू ड्रॉ अ माउथ प्लेस अ सिंपल स्ट्रेट लाइन दैट इज नॉट अ रिलैक्स पोजीशन दैट इज लाइक यू इज कंफ्यूज्ड और टायर्ड और एग्जॉस्टेड व्हेन यू वांट टू मेक द सेम पर्सन रिलैक्स सिंपल थिंग ठीक है तो थोड़ा आइस में जान डाल दीजिए थोड़ा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आईब्रोज को इंस्टेड ऑफ अ क्वेश्चन मार्क मेक इट अ सिंपल वन अ लिटिल दिस इज रिलैक्स्ड नाउ यू कैन सी द डिफरेंस राइट यस मैम रिलैक्स्ड Yeah, ma'am. relaxed and confused or tired, exhausted. Yes, ma'am. Yeah. And, okay, now other emoji. Arre, mujhe circle banane nahi aata. Okay. So now, do you know what do you mean by drooping eyes? Ma'am, what is the means of drooping? Drooping ka matlab kya hota hai? हमें बहुत नींद आती है इवन दो यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी ओके सो दिस आर कॉल्ड द ड्रूपिंग आईज वेयर वी फील लाइक आईज आर फॉलिंग डाउन ओके मैम ठीक है ओके मैम या तो ये हो गया अपना ड्रूपिंग आईज हम इसके साथ क्या भी बना सकते लाइक विदाउट एनी एक्सप्रेशन सिंपली अ लाइन आल्सो विल गो मैम ये तो बहुत गुस्से में लग रहा है अच्छा मैंने गुस्से में बना दी शायद ओके नाउ नाउ इज इट ओके So I just want to show the eye expression here. Drooping whenever you want to show is like eyes are like very tired. So you have to draw that line. That are called drooping eyes. Okay. Okay. So just take down all this in your notes or somewhere. I'm going to tell you like happy or excited eyes draw karenge kya? Excited. So now only I'll draw the eye expression. You people have to make the emoji out of that. Now this one, let's take it as a challenge. Now, आपको यहाँ पे सिर्फ emoji नहीं बनाना है, कुछ cat, कुछ character, whatever you feel like good, you just have to use this eyes. Yeah, मैं तो सिर्फ eyes draw कर रही हूँ. This eyes you can make use of. See, I'm using the Wacom board where I cannot fill the total color. Eyeball पूरा fill कर दीजिए यहाँ पे. Okay. Okay. If you fill the eyeball properly, you can see an excited face here. I want this excited expression in any of the character. So you'll be given exactly 5 minutes of time to draw this. Ma'am, बच्चे character कैसे बनाएं मतलब? मतलब एक cat भी बना सकते हैं और एक simple सा चेहरा. Eyes के around चेहरा बनाना है. It could be. Eyes के around चेहरा बनाना है. और माउथ लाइक देयर विश हाउएवर दे वांट दे कैन डू एंड जो इमोजी है वो एक्साइटेड इमोजी होना चाहिए मुझे इमोजी हां एक्साइटेड इमोजी की जरूरत ही नहीं है व्हाटएवर दे वांट दे कैन मेक इट नाउ ओनली आईज आई हैव गिवन द क्लू मैम फिर स्माइल कैसे बनेगी अब वो आप लोग डिसाइड करो मुझे तो एक्साइटेड चाहिए You can give a curve, you can give a straight line. ठीक है और you can give sides,
ऐसा जो साइड स्माइल दिए भी इट लाइक अंडरस्टूड ना, इसको एक हाँ इसको एक कान भी दे सकते हैं और इसको हम बाल भी दे सकते हैं, दैट इज योर विश। मैम एक बार आप मीट पे वापस आके देखो, आई थिंक लोगों ने कुछ कुछ बनाया है। कैन यू स्टॉप सर प्लीज कंटिन्यू शेयरिंग मैम। हाँ अनुभव सोनी ओके मानवी यू आर डूइंग इट ग्रेट या द सीक्वेंस आई लव इट या मैंने टेढ़ा मैंने डाले तो भी पीपल आर डूइंग वेरी गुड पंकज हाँ या एग्जैक्टली दिस इज लाइक आई ड्रू इन माय बुक यू नो पंकज द सेम थिंग वेरी गुड या आदित्य या एक बार सब लोग अपनी ड्राइंग दिखाओ आई विल क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट 3 2 1 एंड क्लिक या दिस आर माय ये मेरा ओके तो ये ओके सो वी आर डन शैल वी मूव यस मैम या आई एम जस्ट गिविंग यू काउंट ऑफ 5 जो लोग भी लाइक डिफरेंटली बना सकते हो कि बना के मुझे बता दो तो वन थिंग इतने सारे आई सी 27 स्टूडेंट्स ज्वाइन व्हिच इज ऑसम बट इनमें से ज्यादातर बच्चों का भी ड्राइंग नहीं आ रहा है आई सी की व्हाट्सएप ग्रुप पे मैम अ लॉट ऑफ पीपल हैव आल्सो स्टार्टेड शेयरिंग तो जस्ट सेइंग कि ज्यादातर सब लोग शायद कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं बट दे आर आल्सो शेयरिंग इन द ग्रुप या जस्ट लीव द मैसेज हियर एट लीस्ट इट्स इनफ बिकॉज़ इट्स फर्स्ट डे सो वी विल बी फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू लाइक ट्रेस एवरीवन बट कल से प्रॉब्लम नहीं होगी Okay, shall we start count? Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3. Sab log camera on karo bhai. Tick tick 4. The last count and camera should be on. Suryapal, maine to aadha banaya tha, the same thing you have done. Tick tick 6, 5, done. Okay. Yeah, Prachi, yeah. Excited, Prachi is superb. Yeah, good, 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 good. So I think you have understood the expressions and how to draw the eyes and mouth, right? Komal, yeah. Yes. Okay. Now next session, what we'll do is, हम लोग ये करेंगे कि shapes को लेके उसे character बनाने की कोशिश करेंगे. Okay. What are the shapes available with us? Geometric shapes. बच्चों ज्योमेट्री में कौन कौन से शेप्स आपको पता है एक बार बताओ सर्कल रेक्टेंगल स्क्वायर ट्रायंगल जी आदित्य ओवल सुपर अच्छा तो आप लोग में से आप लोग में रोम्बस उसे हम लोग बाद में करेंगे वी लाइक 4 बेसिक शेप्स से विल डू स्क्वायर सर्कल रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल ठीक है Okay, so whenever we say like circle and oval and sphere, all the three we can combine and we can make one. So what we'll take is we'll take the reference as an egg. Okay, so oval से हम लोग क्या-क्या बना सकते हैं मैं बनाऊंगी और आप लोगों को ये करना है कि triangle से rectangle से आप लोग मुझे बना के दिखाना है ठीक है? Okay, so I'm switching off my camera again. So I'm going to my drawing Inkscape. Shall we start? Yes, ma'am. Okay. Mm-hmm. Whenever I open you, maybe it's not visible. Just tell me. Now, is it okay? Is it visible? Ma'am, Inkscape पे आपके characters अभी 4 emoji वाले दिख रहे हैं. Is that what you are trying to show? No, 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 no. तो अभी सिर्फ Inkscape पे वो 4 characters दिख रहे हैं. Okay. Thank you.
यूएस में ना लाइक दी वाज लाइक वेरी फेमस एक्स से जो भी कैरेक्टर्स होते हैं दैट गो वेल विद द कॉमिक्स ओके एक्चुअली वी हैव लाइक कॉमिक कैरेक्टर्स विद एग सो नाउ टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द सेम कैरेक्टर्स एक्स से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं एंड व्हेन नाउ टुडे नाउ फ्रॉम दिस सेशन आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस 1111 कॉमिक का जो व्हाट यू से कीवर्ड्स है आई विल एक्सप्लेन नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ मोशन लाइन द मोशन लाइन इज दिस whenever you draw these two lines are called as the motion line remember kids okay so now in between I want to draw okay suppose that is the shape now I'm drawing one oval shape okay so whenever we draw any character for the comic here we give one shadow okay this is called a shadow now the movement of the egg that are given by two curved lines to left and right side these are called as the motion lines what are these called as motion line yeah I'll write the text there so that you can read it Is it visible? Yes, ma'am, it's visible. Yeah. Motion lights. Okay. Now, going back to our drawing part. Now, because I want to make an egg. I am drawing two big circles inside this oval where I want to make my egg to look very happy. Okay, and I'm giving my egg one teeth. A dress for him. Follow me. See this and draw the same. सब लोग देखते भी रहो और साथ साथ अपनी कॉपी में ड्रॉ भी करने की कोशिश करो जो नंदिनी मैम की स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा तो फाइन ड्रॉइंग नहीं रहेगा बिकॉज आई एम यूजिंग अ डिफरेंट पेन बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू इट नाउ व्हाट यू कैन सी हियर Okay, so we are going to draw at least two or three characters from oval now. Ma'am, students have already started showing their egg on Google Meet. If you want to check it out, please. Oh, wow! Yeah, and shadow ko fill karo. I cannot do with the pencil. You people can do it. तो एग के नीचे जो एक पत्थर टाइप है वो आई थिंक शैडो है तो उसको आप पूरा फिल कर दो
Yeah. Good, Prachi. Wow. Good, good, good. Yeah, Pankaj, I think you can take screenshot of this also. These people are drawing very good. Yes, ma'am. Don't worry about it. Sare screenshot le rahe hain jab bhi people are drawing. Chalo. Okay. So, if people are okay, then shall we move on to the next character? Now, ab bhi hum log ye banana chahte hain. Haan. Albert Einstein. Who is Einstein? Albert Einstein, do you anyone know? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. आइंस्टीन पता है सबको? यस 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 हु इज ही मैम? ही इज अ साइंटिस्ट. साइंटिस्ट तो हम क्या उसे बनाने की ट्राई करेंगे? यस मैम. यस मैम. इको आ रहा है. अंडरस्टैंड. हमने भी बना दिया एग. What is that? नीचे वाला क्या है वो? मैम शैडो. 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 वेरी गुड. एंड व्हाट आर दीस टू? मोशन लाइन. मैम मोशन लाइन इज व्हाट आर द इंडिकेटर? मोशन लाइन का मतलब होता है कैरेक्टर. मैम मोशन लाइन का मतलब होता है कि जो कैरेक्टर मोशन शो करता है. मैम वॉइस एको हो रही है. तो वॉइस एको हो रही है. प्राची सिंह अपने आप को म्यूट कर दो. प्राची तुम्हारी वजह से थोड़ा. हाँ यस आई थिंक अब एको नहीं हो रही है. ओके नाउ आइंस्टीन का स्पेशलिटी ये है कि वो अपने आप में बिल्कुल ध्यान नहीं देता. ही इज अ साइंटिस्ट हु वर्क्स लाइक अ मैड बिकॉज ही हैड इन्वेंटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक पंकज सर आपको बता भी देंगे आइंस्टीन के बारे में. आई थिंक पंकज विल बी लाइक ग्रेट फैन ऑफ हिम. सो ओके तो इसलिए हम उसकी आईब्रोज सब कुछ हमें टेढ़ा मेढ़ा ही बनाना है. ठीक है. ओके सो दिस इज लाइक इस आईब्रोज. And he never laughs because he always keeps his time in thinking and developing the things. Ye ho gaya uske teeth. Yeah. And this is his nose. But he is out of an egg. To hume ise kya banana hai iska? Egg ka shape dena hai ise. Okay, but this we cannot identify him as Einstein. What makes him Einstein is his hair. Show you the image which I drew in my book. Here I cannot make a perfect one. Okay. So at the same time I'm switching on my camera and I'm showing you the image.
I want the hat like this. Can you see? Yes, ma'am, dikh raha hai. I've also shared this photo on the group, WhatsApp group. Wow. Hair, only this is the reference of hair I'm giving you. Aditya, aapko thoda hair pe work karna hai. That is not the hair because with this pen I cannot draw a perfect one. Yes, Suryapal, exactly. Done. Pankaj, aho, khila diye yaar. Good. So, Manvi, yeah. Aditya. Okay. Super. Okay. So now, shall we do the other or shall we move to the other shape? क्या प्रिफर करेंगे बच्चों आप? मैम ट्रायंगल. ट्रायंगल करेंगे? यस मैम. ट्रायंगल देखते ही सब लोगों को तो एक ही याद आता है. व्हाट इज दैट? मैड एंगल्स. एंड मुझे तो पिज्जा याद आता है. व्हेनेवर आई सी द ट्रायंगल ओनली आई कैन मेक ऑफ पिज्जा. स्लाइस. पिज्जा का एक स्लाइस. पिज्जा का एक स्लाइस. ओके सो नाउ दिस इज अ वर्क फॉर यू. आई विल बी गिविंग यू ओनली 5 मिनट्स ऑफ टाइम. मेक द थिंग व्हाट एवर यू वांट विद अ ट्रायंगल एंड शो इट टू मी. मैम एंगल कौन सा भी एंगल ले लो. जस्ट अ ट्रायंगल ओनली. राइट मैम इज सेइंग कि आप सबको अपनी नोटबुक में एक ट्रायंगल से कोई कैरेक्टर या कोई कुछ ड्रॉ करना है. तो ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं. 3 साइड्स वाला शेप बनाओ एंड उससे कुछ कैरेक्टर या कोई डिजाइन ड्रॉ करो. अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो एंड जल्दी से व्हाट्सएप पे या फिर यहाँ पे वीडियो ऑन करके शेयर करो. लेट्स सी कौन क्या करता है. यू हैव 5 मिनट्स. Wow. Aditya, आपके it's not clear. थोड़ा आगे करेंगे आप. खुशी अग्रवाल, very good. अरे बाप रे पंकज, good. What is that? Mad angles. Mad angles. Ma'am, I have no idea. एक character है नया सा. हाँ नया सा दिख रहा है. मैम मेरे घर पे एक नई नई बिल्ली आई है तो I was trying to draw the बिल्ली but बिल्ली बन नहीं पाई. Impressed. Wow. Prasoon Singh. Okay. Anubhav Soni. Yeah. Okay, so okay, shall we close? Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4, and अभी जल्दी से अपना triangle वाला shape दिखाओ. मैम count कर रही हैं. The last one. Count. And 5, done. Okay. ओके तो अभी नेक्स्ट बेसिक ओनली वी हैव रेड ओनली टू बेसिक्स हियर. वन इज शैडो वन इज मोशन लाइंस राइट. अदर देन दैट वी आर ट्राइंग टू डू सम कैरेक्टर्स आउट ऑफ शेप्स एंड ऑल. नाउ आई विल जस्ट टेल यू कॉमिक में द फर्स्ट रूल ओनली. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ओनली वन फर्स्ट रूल. ओके शैल वी गो टू द फर्स्ट रूल ऑफ द कॉमिक. यस मैम.
Yes, ma'am. Yeah. I'm presenting. Yes, ma'am. प्राची नींद आ रहा है क्या बेटा? No, ma'am. हाँ, या वो होना चाहिए ना. Okay. मैम आपकी स्क्रीन नहीं शेयर. अच्छा शेयर हो गई. Can you see the screen? Yes, yes ma'am. Yes, the comic hota hai. The first rule of the comic is we have to make a comic panels. Okay, comic panels का मतलब ये होता है. Instead of a drawing pen, I'll take this one. Ma'am, this is right. This is called a panel. Where you have to draw boxes to make a comic. Okay. Ma'am, so nahi ho raha. Ma'am did not see. Ma'am, abhi sirf aapka Albert Einstein Eggstein dikh raha hai. Now, yes, now can so here whenever you want to make a comic, you should remember like comic is not a flow like a design. It's like a structurized one. You have to make a comic panels. The four boxes what I drew here represents panel. Okay, and there is no rule like the size should be equal. There is no rule, and no shape should be same. Like it, I have taken a rectangle. आप लोगों को चाहिए तो trapezium भी ले सकते हो. So this is the first rule of the comic. And क्या हमेशा चार sides का हो सकता है या फिर किसी भी size shape का हो सकता है? किसी भी shape की हो सकता है, but only they have to when they are taking a A4 document size का, they should remember the four side rule. The four side they should not make it like a mistake. ये follow करना चाहिए. और बीच का जो भी वो लोग comic का शेप ले रहे हैं दैट इट कैन डिपेंड एंड दे शुड नॉट क्रॉस द बॉर्डर लाइंस. बॉर्डर लाइंस पे सेम आना चाहिए एंड इन बिटवीन ईच एंड एवरी पैनल देर शुड बी अ स्पेस. दिस स्पेस इज कॉल्ड एज अ गटर. गटर स्पेस प्लेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर रीडेबिलिटी. इट्स नॉट अ रूल. ओके, द एम्प्टी स्पेस यू कैन सी इन बिटवीन राइट, दिस इज कॉल्ड एज अ गटर. And the first box always should give you the storyboard name plus hero, hero ya heroine. So whoever is the main role of your comic. Ma'am, can you repeat? आपने अभी क्या बोला? जो first panel है, the first panel should always give the information of the storyboard name. And who is a hero of the comic? Okay, yes, ma'am. So today I'm going to give a simple example of Billi Doodh Nahi Peeti. What does that mean? ये तो सिर्फ कहावत है, बिल्ली दूध नहीं पीती, right? We have like तेनाली रामकृष्ण की एक story है जहाँ पे सिर्फ एक ही sentence हम लोगों को दिखाई देता है, बिल्ली दूध नहीं पीती. But that doesn't mean like cat won't drink milk. So if I'm making a comic out of that, the storyboard name should be Billi Doodh Nahi Peeti, and here I should draw a cat. So what does that my first panel is going to convey to my audience is like, okay, this comic is based out of a cat. Where will it drink the milk or it won't drink the milk? We don't know. So that should convey from the first panel. Is it clear or thoda zyada ho gaya?
आई वॉन्ट कि कोई स्टूडेंट समराइज करे कि मैम ने अभी क्या बोला. लेट्स सी कौन कर पाता है सबसे पहले. सर मैम ने बोला कि जो भी हम स्टोरी लिख रहे हैं, मतलब जो भी अभी मैम लिखेंगी, तो जैसे एक कहानी है बिल्ली दूध नहीं पीती, तो मैम उसके बारे में हम लिखेंगे. जो स्टोरी बोल्ड होता है उसमें फोर साइड से भी ले सकते हैं फिर कहीं और, लेकिन हमारे पास A4 पेज है इसलिए हमें फोर साइड चाहिए. और जो बीच में स्पेस होता है उनके फोर स्क्वायर बॉक्सेस का, उनको गटर कहते हैं. और फर्स्ट पैनल में क्या लिखते हैं? इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉमिक्स. एंड हीरो के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे? लिखेंगे सर. ओके, स्टोरी बोर्ड के नेम में नेम और सर हीरो का नेम. हीरो का नेम लिखेंगे नहीं, हीरो का डायग्राम बनाना है, इलस्ट्रेशन बनाना है. कॉमिक और स्टोरी का डिफरेंस यही है, नाम आएगा और हीरो का कैरेक्टर दिखेगा. ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनी नेम देयर. स्टोरी का नाम, देन अ कैट का एक ड्रॉइंग, दैट्स ऑल, नॉट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हीरो. ओके, वी डोंट वांट दैट. हमारी कॉमिक में ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे हम लोग, सिर्फ मुंह छुप रहेंगे, सिर्फ हमारी जो इलस्ट्रेशन है दैट हैज टू स्पीक. ठीक है? यस मैम. या सो ओनली द रूल इज लाइक द पैनल्स कैन बी ऑफ एनी शेप एनी साइज, ओनली यू हैव टू स्टिक टू द बॉर्डर. बॉर्डर से बाहर आना नहीं चाहिए, दैट ओनली द रूल. एंड गटर स्पेस मेंटेन करना चाहिए फॉर द रीडेबिलिटी. ओके ओके मैम. ओके अभी हम लोग ये स्टोरी आज नहीं बना रहे हम लोग, बट दिस वी आर गोइंग टू मेक इट टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, दिस इज फॉर श्योर, वंस वी प्रैक्टिस ड्रॉइंग. ओके, नाउ द लास्ट फेज ऑफ द कॉम्पिटिशन, लाइक लेट्स टेक दिस हैज. मुझे क्या चाहिए फ्रॉम अ रेक्टेंगल, कैन यू पीपल ड्रॉ अ कॉन मैन. मैम क्या बनाना है? कॉन मैन. कॉन मैन का मतलब क्या होता है? कॉन मैन का मतलब ये होता है कि मेज यूनोरेट, कॉन कॉन यूनोरेट, रेक्टेंगल से एक कॉन का शेप का एक आदमी बनाना है. मैं फर्स्ट में मैम अभी आपने कुछ टास्क दिया क्या? या कैन यू रिपीट प्लीज? आई एम राइटिंग इट हियर. ओके con man from rectangle. Just like try Dalwa, I'll send you the image of this. Can you see my screen? No, ma'am. No. Ma'am, अभी स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी. सिर्फ आदित्य की कूल सी फोटो दिख रही है. Okay, now. No, ma'am. Yes, ma'am. आप देखने लगे. Yeah. I'm also making this one. You will also make. Let's see, like, हमारा मैच होता है कि नहीं होता. 5 minutes बस है ना अपने लिए? Yes, ma'am. मैम कॉर्न मैम मतलब, कॉर्न मैन मतलब भुट्टे का इंसान. हाँ या From rectangle. मानवी ने भुट्टे का इंसान बना दिया, but rectangle से नहीं. वो rectangle वो बना सकती है, मैंने देखा उसे.
Okay, this one I am making a rectangle, which is not exact. Why? Because I want the shape, so I am making it a little curve. Okay, थोड़ा शेप को मैंने ऑल्टर किया है. मैम आपके में रेक्टेंगल कहाँ है? The rectangle is this one. ओह नो, वो तो साइड में है. हाँ, तो मैंने क्या करा, इसको थोड़ा कर्व बनाया बस. फक दिस वन. ओके, लिटिल ऑल्टरेशंस ऑफ माय रेक्टेंगल सो दैट इट विल लुक लाइक अ पर्सन. Okay, the original images I'll share you. This is like Wacom board से draw किया गया है, so I don't know. मैम इसमें भुट्टा कहाँ है? ये नीचे है देखो. I cannot draw this with this. I'll send you the images of this. ठीक है? मानवी, या आदित्य, आप थोड़ा वो हैट का तो सीधा कर दो बस. पंकज, सॉरी पंकज, मैं कुछ नहीं. हमें लगा था कि रेक्टेंगल और भुट्टे को मिला के नहीं, मिलाने से द थिंग इज लाइक You should not give the beach में rectangle बना दिए. मैं आप comment नहीं कर सकती, sorry. Okay. Wow, Prasoon Singh, superb. समय आ गया. कोमल, कोमल, ultimate कोमल, I love it. Come see the कोमल drawing. Wow. Aditya Saho, superb. You people, you guys are amazing kids. Chance in here, theek hai. So, okay. So this is about today's session. Wow, wow, Surya Pal. एक बार सारे लोग जल्दी से दिखाओ अपना अपना God man with from rectangle. Manvi, creativity is different. Good. मैं मेरा भी बहुत different है. आपका तो बीच का खाली है, आपने सिर्फ empty का kernels ही नहीं है. Corn का kernels पूरा खाली है आप. मैम छिला हुआ corn था. No, 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 you thought like kernel is like a OS ka hai, toh aapne kha liya wo. Yes, ma'am. Wow, really impressed. Maine socha bhi nahi tha ki mujhe itne achha drawings milenge. Wow, good, good, good. Super. Toh, achha, bacho, just mujhe review chahiye, sorry, not review, just recall it, what the points I have taught you today.
विच आर रिलेटेड टू कॉमिक्स. हम लोग क्या क्या सीखा आज, सब लोग अनम्यूट करो. स्टूडेंट समराइज करो, आई वॉन्ट एक स्टूडेंट आके समराइज करो जितना भी क्लास में हुआ. आदित्य के अलावा, आई नो आदित्य सबसे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल लड़का है, आई वांट आदित्य के अलावा पहले कोई बोले. आदित्य को सोचना चाहिए कि नेक्स्ट क्या पढ़ा सकते हो. आदित्य यू कीप ऑन थिंकिंग दैट अदर्स प्लीज समराइज द क्लास. या मैम हम बताएं? नहीं नहीं आदित्य आपसे बाद में बात करेंगे. या एनीवन प्लीज. आदित्य के अलावा इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ कोई भी एक एंड लेट्स सी क्या क्या क्लास में हुआ, एक बार समराइज करने की कोशिश करो. आई हैव लर्न हाउ टू क्रिएट अ कैरेक्टर. हाउ टू क्रिएट अ कैरेक्टर, कैसे बनाते हैं मैम, इमोजीज कैसे बनाते हैं. अच्छा लेकिन मैंने तो कॉमिक्स के बारे में एक 5 पॉइंट्स बताया था, राइट? यस. अच्छा ठीक है, मैं एक क्विक समराइज देती हूँ. बट कल से ये होगा कि लास्ट सेशन में लास्ट 5 मिनट्स आई जस्ट वांट समराइज एवरीथिंग व्हाट आई हैव टॉट. ओके, फर्स्ट थिंग इज एवरी कैरेक्टर विल गो विद अ शैडो. ओके, एंड एवरी कैरेक्टर विल गो विद अ मोशन लाइंस. व्हाई द मोशन लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इज बिकॉज टू शो द कैरेक्टर हैज सम मूवमेंट्स. ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज लाइक कॉमिक विल बी डन इन कॉमिक पैनल्स. ओके, the comic panels can be of irregular shape but they should follow the border rule. Okay, and comic panel to panel there should be a space, empty space in between, which is called as a gutter. Okay, and every comic panel will go with a storyboard name. The first is called as a storyboard name. Along with that we have to show the hero character in drawing. And we have learned illustration. What do you mean by illustration? These are the points related to comic, right? Yes, ma'am. Okay. So, ma'am, illustration is drawing that is used to make comics. Kya ma? Samajh mein aaya? Anubhav? I think Aditya is trying to say something. He has been raising his hand for a long time. Please go ahead, Aditya. Sir. तुम्हारो सर हम ये जान सकते हैं कि जो स्टोरी है अपने मन से कैसे खुद से सोच के लिख सकते हैं या फिर उसके कैरेक्टर खुद से क्या करवा मतलब बना सकते हैं. हाँ यहाँ पे ओनली द प्रॉब्लम व्हाट आई फेस इज कल हम लोग एक स्टोरी लेंगे, बराबर का स्टोरी लेंगे, हम लोग उसका स्टोरी से डायलॉग्स भी बना लेंगे. बट द थिंग इज यू पीपल हैव टू ड्रॉ इट बिकॉज आई कैन नॉट ड्रॉ व्हाट यू आर थिंकिंग ऑल्सो, राइट? तो यहाँ पे ड्रॉइंग होगी फर्स्ट इश्यू. सो यू पीपल कीप प्रैक्टिसिंग ड्रॉइंग. कल हम लोग एक स्टोरी लेंगे, एक स्टोरी के साथ ड्राइंग करके होमवर्क कुछ भी नहीं है. टुमारो विल डू मोर देन मार्क्स फॉर क्लासेस में यूजुअली होमवर्क आपको नहीं मिलता है. इट्स ओनली आउट ऑफ योर इंटरेस्ट, ओनली यू हैव टू कीप ड्राइंग, दैट्स इट. ठीक है, सो टुमारो गाइस एक्साइटेड, टुमारो विल टेक वन स्मॉल स्टोरी. हम लोग को डायलॉग्स भी बनना है और कैरेक्टर्स भी ड्रॉ करना है. एक्साइटेड फॉर टुमारोस क्लास? हम लोग का हर रोज का होगा, जब भी क्लास खत्म होगी उसके पहले एवरीबॉडी विल से गुड बाय टू ईच अदर. सब लोग जल्दी से कैमरा ऑन करो. आई एम काउंटिंग टिल 5, 5, 4, 3 बाय 2, 1 Bye everyone. Bye man. Bye sir. Nandinam ko thank you. Bye sir. Bye sir. Thank you man. Thank you Kate. Bye. Thank you so much for bye. 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 Bye man. Bye. Thank you. Yeah.